मेरा नाम प्रभात कुमार सक्सेना है और मैं वार्ड नंबर 26 से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ। जनता के लिए क्या संदेश है आपका? जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास का नारा है और पूरे विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी में हद से ज्यादा किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का पूरी जनता ने फायदा लिया है। इन दो तीन सालों में कितना विकास हुआ हमारे यहाँ? लगभग 70-80% विकास बाढ़ में हो चुका है और सभी क्षेत्रों में विकास, इसमें सड़कें बनवाई गई हैं, वाटर पाइपलाइन बनवाई गई हैं, मिनी ट्यूबवेल बनवाए गए हैं, सभी बनवाए गए। क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, क्या समस्याएं रह गई हैं जो आप दूर करना चाहते हैं? थोड़ी समस्या ऐसे ले गई कि डेढ़ साल लगभग कोरोना काल रहा, कोरोना काल में विकास कार्य में बाधित रहा, इस वजह से जो समस्या रह गई है वो इस बार कार्य पूरे किए जाए। क्षेत्र के लोगों का कितने स्नेह आपको मिला? क्षेत्र के लोगों का 100% पूरा समर्थन हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी की लहर है, हम महापौर में भी भारतीय जनता पार्टी हमारी बहुत मतों से जीतने वाली है और सभी पार्षद हमारे जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या अपील देना चाहेंगे आप? क्या अपील देना चाहेंगे? अपील मेरी यही है कि किसी और के चक्कर में आदमी बहकावे में ना आए। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और सेंट्रल में भी सरकार है, तो ये सोच के वोट करे कि जो आदमी वोट देगा, अगर हमारी हर जगह सरकार है तभी तो हम ऊपर काम करा पाएंगे, पार्षद जीतेंगे, हमारे महापौर जीतेंगे और फिर उस हिसाब से विकास कर रहे हैं बढ़िया तरीके से हो पाएगा। अगर किसी और को वोट देता है तो अपना वोट देके बेकारी करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। विकास कार्य को लेकर जनता से क्या अपील करेंगे? विकास कार्य को लेकर मेरी अपील यही है कि जो विकास कार्य रह गए हैं किसी कारण बस, वो इस कार्यकाल में पूरे किए जाए। जहां भी जो भी भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी लड़ लिया है, सिर्फ जनता कमल के फूल को देखे, ना प्रत्याशी देखे ना कुछ देखे, सिर्फ कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी को देखे। लगभग कितना विकास कार्य आप तक करा चुके हैं? आप विकास कार्य लगभग वार्ड में 70-80% हो चुका है। एक आध दो सड़कें रह गई है बनने से, एक आध समस्या और रह गई है, वो इस बार उसका समाधान किया जाए।